हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एचएस बैंकर के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसा टाइप करके भेजना जैसा कि बुक में अवेलेबल है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के एक या दो दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट ए कंस्ट्रक्शन वर्क इन 10 डेज। तो काम को कम्प्लीट करने के लिए 10 दिनों में कितने वर्कर की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे पास दो इन्होंने स्टेट दिया हुआ स्टेटमेंट्स, तो हमें ये चेक करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से क्या हमें दोनों चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या फिर किसी एक से हो जाएगा, या फिर दोनों से भी नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। तो बेसिकली हम वन बाय वन स्टेटमेंट चलेंगे। तो 10 दिन में काम को कम्प्लीट करने के लिए कितने वर्कर्स की ज़रूरत है वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो जैसे कि इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ कि 20% ऑफ द वर्क कैन बी कम्प्लीटेड बाई 8 वर्कर्स इन 8 डेज। ठीक है, जो 20% काम है वो 8 लोगों के द्वारा 8 दिनों में कंप्लीट किया जाता है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि लेट वन वर्कर डू 1 यूनिट पर डे, जो एक वर्कर है एक दिन में 1 यूनिट काम कर देता है। ठीक है, हमें क्या क्या करना होगा दोस्तों, ये इन्होंने क्वेश्चन में जो बोला 10 दिन में कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो हमें बेसिकली दिन तो दे दिए उन्होंने, टोटल काम पता करना पड़ेगा, टोटल काम कितना है और एफिशिएंसी कितनी एक बंदे की। तो एफिशिएंसी हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि 1 यूनिट, 1 वर्कर डू 1 यूनिट पर डे, जो एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो ये तो एफिशिएंसी हमने मान ली, यहाँ से हमारा इनका काम निकल आएगा। तो ये देख सकते हो, फर्स्ट लाइन में मैं लिख रहा हूँ लेट 1 वर्कर डू 1 यूनिट पर डे, सेकेंड लाइन यहाँ पे 8 वर्कर्स वर्क फॉर 8 डेज, 8 लोग हैं 8 दिनों के लिए काम करते हैं, जो कितना हो जाता। तो 8 लोग 8 दिनों के लिए काम करेंगे तो कितना, 8 × 8 64 यूनिट्स हो जाएगा, क्योंकि एक वर्कर एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। तो 8 दिन में एक वर्कर कितना, 8 यूनिट कर देगा, और 8 वर्कर कितने, 8 8 यूनिट कर देंगे, तो 8 × 8 = 64, 64 यूनिट्स काम हो जाएगा 8 वर्कर के द्वारा 8 दिनों में। तो यहाँ पर मैं 64 लिख रहा हूँ, इजिकल टू 20%, जो कि 20% टोटल काम के 20% के बराबर है। तो टोटल काम कितना होगा, 20% के बराबर है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हो कितना, 100% हो जाता है। तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% काम निकल आएगा हमारे पास। तो 64 × 5 कितना, 320 यूनिट। तो टोटल काम कितना है, 320 यूनिट है, जब एक बंदा एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। ये एफिशिएंसी हम लेके चल रहे हैं, तो इतना काम टोटल है। ठीक है, अभी इन्होंने बोला कि 10 दिन में कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो एक आदमी लेते हैं, 1 वर्कर × 10 डेज। तो एक आदमी 10 दिन में कितना, 10 यूनिट कर रहा है, जैसे कि आपको पहले ही बता दिया मैंने कि एक वर्कर एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 यूनिट कर देगा। अभी एक आदमी के द्वारा 10 दिन में 10 यूनिट की जा रही है, तो एक आदमी का काम हम यहाँ पे 10 दिन का 320 को डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि एक आदमी के द्वारा 10 यूनिट की जा रही है 10 दिन में। तो कितने आदमी आ जाते हैं यहाँ पे, 32 वर्कर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर 32, मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी हम सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड में ये क्या बोल रहे हैं, 20 वर्कर कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, 20 वर्कर हैं 16 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही मान के चलते हैं कि एक वर्कर एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। ठीक है, तो 20 वर्कर्स वर्क फॉर 16 डेज, 20 आदमी 16 दिनों के लिए काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना काम कर रहे हैं ये, तो 20 × 16 कितना, 320 टोटल वर्क आ गया। यहाँ पे टोटल यूनिट्स कितना आ गया, 320 आ गया, 20 आदमी 16 दिनों के लिए काम कर रहे हैं, एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 20 आदमी 16 दिन में कितना करेंगे, 320 यूनिट करेंगे काम। तो ये टोटल काम आ गया, और इन्होंने क्या बोला हमें 10 दिन में कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी काम को कम्प्लीट करने के लिए। तो वही सेम जो हमने पहले ऊपर किया था, 1 वर्कर × 10 डेज, तो 10 यूनिट्स हो जाएगा, और टोटल काम कितना, 320 ओवर एक आदमी के द्वारा 10 दिन में किया गया काम,
जो कि 10 यूनिट्स है, तो ये कट के आ जाता है 32। तो 32 वर्कर, इसमें भी 32 चाहिए थे, उसमें भी 32। तो कहने का मतलब दोनों जो स्टेटमेंट है, दोनों में से भी किसी एक को लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।